एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में कुरन काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ी हुई होती है और वो उसी बैच को देख रही होती है जो कि पिछले एपिसोड में टूट गया होता है। इसके बाद कुरन को हमें एक शहर में दिखाया जाता है और वो अपने मन में बोल रही होती है, हम ड्रैगनॉइड स्पीशीज का एक काफी बड़ा धर्म होता है जो कि होता है ह्यूमन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद कुरन एक पेंडेंट के शॉप में जाती है और वो शॉप ओनर बोलता है कि तुम जो भी पेंडेंट लेना चाहते हो उसको तुम टच करके देख सकते हो और कुरन को इन्हीं में से एक पेंडेंट पसंद आ जाता है और कुरन बोलती है मैं ये पेंडेंट लेने वाली हूँ। शॉप ओनर बोलता है कि ये पेंडेंट 20,000 डिनर्स का है और ये पेंडेंट कुरन को काफी ज्यादा महंगा लगता है जिसकी वजह से वो उस पेंडेंट को वहाँ पर रख कर जाने लगती है और तभी पीछे से शॉप ओनर उस पेंडेंट को उठाता है और बोलता है कि तुमने इसको स्क्रैच कर दिया, तुम एक ड्रैगनॉइड हो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। कुरन बोलती है कि लेकिन मैंने तो ये नहीं किया है और शॉप ओनर बोलता है लेकिन तुम्हें इसको लेना ही पड़ेगा, चलो मैं तुमको इसको 10,000 डिनर्स में दे दूंगा। मुझे लगता है कि तुम गांव से आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लेब्रन सिटी में ऐसा नहीं होता, या तो तुम इसको खरीद लो नहीं तो मैं ऑर्डर ऑफ सन को बुलाऊंगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कुरन को बोलता है मैंने तुमको बोला था ना जब भी तुम शॉपिंग जाओ तुम मुझको लेकर जाना, और इस बंदे का नाम कालियोस होता है। तभी वो जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे पेंडेंट को खराब कर दिया। इसके बाद कालियोस उस पेंडेंट को लेता है और वो कुरन को बोलता है कि इसको एक बार स्क्रैच करना, तो वो ओनर बोलता है तुम इसके साथ करने के वाले हो। कालियोस बोलता है वैसे भी तुम इसको नहीं बेच पाओगे इसलिए हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो भी करे, और कालियोस इस पेंडेंट का पैसा उस शॉप ओनर को दे देता है और फिर कुरन उस पेंडेंट के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच कर देती है और कालियोस फिर उस पेंडेंट को उस ओनर को देता है और बोलता है तुम पहले से ही एक डैमेज पेंडेंट को हमें बेचना चाहते थे और अब तुम हमारे पैसे भी दोगे और एक पेंडेंट फ्री में भी दोगे, वरना मैं अब ऑर्डर ऑफ सन को बुला रहा हूँ तुमको पकड़ने के लिए। ये सुनकर वो ओनर काफी ज्यादा डर जाता है, इसके वजह से वो उनके पैसे भी वापस लौटा देता है और एक पेंडेंट फ्री में दे देता है और जो कालियोस होता है वो उस पेंडेंट को कुरन को पूरा दे देती है और यही पर जो कुरन है वो कालियोस के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लग जाती है और कुरन को लगता है कि यही वो हीरो है जिसे उसको सर्व करना है। यही पर कुरन के पास और एक ज्वेलरी टाइप का कुछ चीज होता है जिसको कुरन काफी ज्यादा संभाल कर रखती है। तभी वहाँ पर कालियोस आ जाता है और वो बोलता है कि कुरन क्या तुम अभी भी तैयार नहीं हुए, और आज हम इतना भारी सामान नहीं लेंगे, आज हम बहुत ही हल्का सामान ले जाएंगे। ये बात सुनने के बाद कुरन थोड़ा हिचकिचाती है। तभी कालियोस बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा सामान कोई भी नहीं चुराएगा, और ये बात सुनकर कुरन थोड़ा सा खुश हो जाती है और वो कालियोस की बात को मान लेती है और फिर ये सभी मिलकर एडवेंचर पर निकल जाते हैं और एडवेंचर के दौरान कुरन एक बहुत ही बड़े बीस्ट को बहुत ही आसानी से मार देती है, जिसे देखकर कुरन के साथिया बोलती है कि देखो कुरन कितने ज्यादा ताकतवर है, और कालियोस भी कुरन की तारीफ करता है। इसके बाद जब ये सारे मिलकर इस मॉन्स्टर से इस कलेक्टेबल को कलेक्ट कर रहे थे तब कुरन कालियोस को बोलती है कि क्या ये सही रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं। कालियोस यहाँ पर कुरन को बेवकूफ बनाता है और वो बोलता है कि एडवेंचरर का मतलब यही है कि तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो और जिन चीजों में तुम अच्छी नहीं हो वो चीज तुम औरों को ही करने दो। और कालियोस इस मॉन्स्टर से कुछ खाने के लिए कुरन को भी दे देती है और कुरन भी कालियोस के बात में आ जाती है और वो बोलती है कि कालियोस मैं तुम सभी के ऊपर भरोसा करूंगी। इसके बाद ये सभी मिलकर चलते चलते एक स्नेक पॉट के पास आ जाते हैं और कालियोस कुरन को बोलता है कि ये स्नेक इस पॉट के अंदर है, इसके वजह से इसके ऊपर कोई भी मैजिक भी काम नहीं करेगा। कालियोस कुरन को ये भी बोलता है कि तुम जाकर सीधा इस पॉट में हमला करना ताकि वो स्नेक बाहर आए और वो स्नेक तुम पर अटैक भी कर सकता है, लेकिन तुम घबराना मत, हम सभी मिलकर उस स्नेक को मार देंगे और तुमको बचा लेंगे। कुरन यहाँ पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और फिर वो उस पॉट के ऊपर हमला करती है जिसके वजह से वो स्नेक बाहर आ जाता है और फिर सभी कुरन को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बंदा फायर अटैक करता है उस स्नेक के ऊपर जिसके वजह से वो स्नेक जो होता है वो ग्लो करने लगता है और कुरन कालियोस से बोलती है कि इसका क्या मतलब है। कालियोस बोलता है कि तुम सिर्फ फोकस करो, वो स्नेक सिर्फ अभी गुस्से में है, और अब जो स्नेक है वो कम्प्लीटली कुरन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन कुरन कैसे भी करके खुद को बचा लेती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो स्नेक कुरन को पकड़ लेता है और फिर वो कुरन के ऊपर अपना जहर इस्तेमाल करता है। कुरन बार बार कालियोस से हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी कुरन को बचाने नहीं आते जिसके वजह से कुरन की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो फिर जमीन पर गिर भी जाती है। इसके बाद कालियोस आगे आता है और वो कुरन को बोलता है कि जब इस सांप को खतरा महसूस होता है तब ये पॉइजन रिलीज करता है, लेकिन इसके कारण वो टेम्परेरली कमजोर हो जाता है, इसके वजह से हम खुद ही इसको मार सकते है। फिर कालियोस और उसके साथ ही मिलकर उस सांप को मार देते है। वही दूसरी तरफ कुरन इससे मदद मांगती जाती है लेकिन कालियोस उसको मदद नहीं करता, वो सभी उसको छोड़कर वहां से चले जाते है। देन अगले सीन में कुरन अपने पैरों में खड़ी होती है और वो कहीं पर जाने लगती है।
और वो अपने मन में बोलती है मुझे उस ड्रैगनॉइड जेम को बचाना ही होगा। और उसको याद आता है कैसे उसके एल्डर ने उसको ये जेम दिया था। कुरन बहुत ही बुरी हालत में उस होटल के पास जाता है जहाँ पर उससे भी मिलकर रुके हुए थे। सभी लोग कुरन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ये अभी भी जिंदा है, ये वापस कैसे आ गई। कुरन इन लोगों से पूछती है कि गैलियस कहाँ पर है। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो तो यहाँ से जा चुके हैं और वो बताती है कि गैलियस ने उसको बताया था कि कुरन की जान जा चुकी है। इसके बाद कुरन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उठती है और बोलती है कि मेरा सारा सामान कहाँ पर है। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि गैलियस ने तुम्हारा सारा सामान लेकर गया है और वो बोल रहा था कि वो उसको तुम्हारे घर पर छोड़ देगा। ये सुनने के बाद कुरन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उस पेंडेंट को तोड़ने वाली होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और फिर वो बैठकर रोने लगती है। फिर कुरन लोगों से पूछकर गैलियस के पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता है। और फिर सारा दिन ढूंढने के बाद उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और वो बोलती है कि अभी मुझे खाना खा लेना चाहिए। और वो एक शॉप के बाहर खड़ी होती है, तभी उसके बगल से एक बंदा गुजरता है जिसे देखकर कुरन काफी ज्यादा शॉक में होता है और उस बंदे को देखकर बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं देखो तो ये तो वही है, फिप द सोलो डाइनर। कुरन उस बंदे को देखते ही जाता है और वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। फिर वो शॉप के अंदर जाती है और सेम फूड ऑर्डर करती है जो कि उस बंदे ने करा है और फिर कुरन उस मील को काफी ज्यादा एंजॉय करती है। इसके बाद कुरन उस बंदे को ही फॉलो कर रही होती है और उसको फॉलो करते करते कुरन को पता चलता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि गिल में तो इसको अकेले ही एडवेंचर करने का मौका दिया गया होता है और गिल में इसके जो पार्टी रहती है वो सोलो डाइनर नाम की रजिस्टर रहती है और लोग इसको फिप द सोलो डाइनर बुलाते है। और कुरन एक तरीके से इस बंदे का हमेशा पीछा कर रही होती है और वो बंदा जो खाता है कुरन भी ठीक वही खाता है। पर एक दिन ये बंदा भी कुरन को नोटिस कर लेता है और रेस्टोरेंट में जब कुरन मेनू को देखकर अपना डिश नहीं चूज कर पा रही होती है तब ये बंदा इनडायरेक्टली बोलकर कुरन की मदद करता है। अब अगले दिन जब कुरन इसका पीछा कर रही होती है तब ये बंदा एक कोट की शॉप में जाता है और उस कोट के शॉप में जाकर वो इनडायरेक्टली कुरन को बोलता है मैं किसी भी रेस्टोरेंट में पुराना कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहूंगा। अब अगले दिन ये लोग जब एक रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं तब एक बंदा नशे में आकर फिप डाइनर के शॉट के साथ वो टकरा जाता है जिसके वजह से वो शॉट गिरने वाला ही होता है, लेकिन तभी कुरन अपनी पूंछ की मदद से उस शॉट को बचा लेता है। तभी फिप डाइनर बोलता है ये शॉट मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर वो पैसे पे कर कुरन को थैंक यू भी बोलता है और कुरन भी उस बंदे का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद फिप डाइनर वहां से निकल जाता है। फिर कुरन और उस फिप डाइनर के साथ कभी भी मुलाकात नहीं होता क्योंकि वो फिप डाइनर शायद किसी और सिटी में चला जाता है और भी सारे लैबिरिंथ को एक्सप्लोर करने के लिए। और वही दूसरी तरफ जो कुरन रहती है उसके पैसे भी खत्म होने ही वाले होते है और वो डिसाइड करती है कि उसको पैसे बनाने के लिए और भी तरीके खोजने होंगे। और फिर वो एक बार में जाती है जिसके बाद उसके साथ उन बाकी तीनों की मुलाकात होती है। देन अगले सीन में हमें निक को दिखाया जाता है जो कि एक पेंडेंट खरीदने गया होता है, ठीक वैसा ही पेंडेंट जो कि उसने कुरन का तोड़ा था। और वो सोचता है कि वो उस समय गुस्सा क्यों नहीं हुई थी और वो अब नहीं गुस्सा है इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद निक को अगाटेन मिलती है, वही लड़की जो कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था। और अगेट निक को देखकर बोलती है कि लगता है कि तुम और पहले जैसे स्ट्रीट डॉग जैसे नहीं रहे। और निक तो अगेट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देन अगले सीन में ये दोनों एक फाउंटेन में बैठे हुए होते है और अगेट निक को समझा रही होती है कि शायद सच में कुरन को नहीं बुरा लगा है, लेकिन निक अगेट के बात को नहीं समझता है। और अगेट बोलती है कि तुम एकदम की ईगोइस्ट हो, तुम किसी से माफी मांगना चाहते हो ये जाने बिना कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है। और वो ये भी बोलती है कि मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी है, तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने तुमको बुलाया था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं भी एक ईगोइस्ट हूँ। और वो ये भी बोलती है कि तुमको उसको ऑफर करना चाहिए। इसके बाद निक टहलते टहलते कुरन के पास आ जाता है और वही दूसरी तरफ कुरन कुछ खा रही होती है। वो इसे निक को खाने के लिए बोलती है, लेकिन निक जब इसको खाता है तो उसको एक काफी ज्यादा खराब लगता है और वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि इसको इंसान खा सकते है। कुरन बोलती है कि उस बन के ऊपर जो था ना वो था जिंदा वर्म्स, इसलिए तुम इसको चबाकर खाना, नहीं तो वो तुम्हारे अंदर के पार्ट को खा लेंगे। निक बोलता है लेकिन मैंने तो उसको ऑलरेडी निकल लिया है। और इसके बाद कुरन बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है और उसको हंसते हुए देखकर निक अपने मन में सोचता है क्या यही रियल कुरन है। इसके बाद निक और कुरन एक ब्रिज में जाते है और निक कुरन से बोलता है क्या तुम्हें बर्ड्स पसंद है। कुरन बोलती है कि हाँ मुझे बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है, तुम उसको सॉस के साथ खा सकते हो और सॉल्ट के साथ भी खा सकते हो, वो मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगते है। इसमें निक बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था क्या तुम्हें स्वान पसंद है। कुरन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ उस पेंडेंट के लिए। वो बोलती है मेरी पिछली लाइफ से तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर है। इसके बाद निक की पार्टी वही एडवेंचरर के मीटिंग प्लेस में जाते है और वहाँ के सारे लोग उनको कांग्रेचुलेशन करते है ए रैंक में प्रोमोट होने के लिए। और जेम के आसपास तो काफी सारा लड़कियां भटक रही होती है और जब कुरन आती है तो उसे भी लोग बहुत ज्यादा ऑफर करते है कि आज हमारे साथ पियो, हमारे साथ ड्रिंक लो और
और टियाने से भी सभी लोग बोलने लगते हैं, प्लीज हमारे साथ एडवेंचर करने चलो। इसके बाद कुरान अपने मन में बोलती है, पहले से ये सब कितना ज्यादा अच्छा है, सभी लोग कितने ज्यादा अच्छे है। इसके बाद कुरान के हाथ में एक पेंडेंट होता है और नीक उसको देख रहा होता है और कुरान उसको लेकर एक मैजिक करता है। वो पहले उस पेंडेंट को खाने की एक्टिंग करता है लेकिन उसका पेंडेंट उसके पूछ में आ जाती है। फिर वो अपने पूछ के मदद से उस पेंडेंट को एक दूर फेंक देती है। इसके बाद वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट आती है और उन लोगों से बोलती है कि क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर गिल जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सभी मिलकर लैबिरिंथ ऑफ बॉन्ड को जाकर एक्सप्लोर करें। और रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को ये भी बोलती है कि तुम लोगों को वहाँ पर होली सॉर्ड ऑफ बॉन्ड को भी एक्सप्लोर करना होगा। अब ये लोग इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तो हम इसके बाद के एपिसोड में देखेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।